11 तारीख भारत के इतिहास में एक और नया इतिहास रच चुका है। आज सिटीजन अमेंडमेंट बिल यानी कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 राज्यसभा में भी पास हो गया। राज्यसभा में इस बिल को 125 वोट मिले और इसके जो लोग पक्ष में नहीं थे यानी कि जिन्होंने विपक्ष में वोट डाला वो 105 वोट थे। तो 125 वोट लेके सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आखिरकार आज राज्यसभा में पास हो गया। एक बार फिर से ये खुशखबरी है उन माइनॉरिटीज़ के लिए जो विक्टिम थी और उन माइनॉरिटीज़ के लिए जिनका देश के बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे और उनका जो है जीना मुश्किल हो चुका था। इनमें से कई सारे हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, कई सारे सिख कम्युनिटी के लोग थे जो कि मिनॉरिटी के तौर पर पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में रह रहे थे और उनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा था। तो फिलहाल उनके लिए एक बड़ा रिलीफ मिला है और सिटीजन अमेंडमेंट बिल के जरिए जो पाकिस्तान के नागरिक यहाँ पर रह रहे थे या अफगानिस्तान के नागरिक यहाँ रह रहे थे और जो बांग्लादेश के नागरिक यहां रह रहे थे उनको जो है इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो एक बड़ा ऐतिहासिक बिल है जिससे कि आज एक एक भारतीय जो है खुश है। अब इस बिल के पास होने के बाद ये तो जाहिर सी बात थी कि कई लोगों को इस बिल से काफी परेशानी होने वाली थी और कांग्रेस पार्टी जो कि लगातार इस बिल के खिलाफ बोल रही थी उन्होंने उनमें जो उनकी फिलहाल अभी प्रेसिडेंट है इंटर्म प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी उन्होंने एक बार फिर से यह कह दिया है कि यह काला दिन है डेमोक्रेसी के लिए जो उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद कहा। उसके साथ साथ पी चिदंबरम जो कुछ ही दिनों पहले जेल से लौट के वापस आए हैं उन्होंने ये कहा कि शिवसेना ने वोटिंग नहीं की इस बिल को लेकर जो कि लोकसभा में जब उन्होंने की थी जो कि एक वेलकम स्टेप है। इसके अलावा जो है कुछ पार्टियों द्वारा जो है जिन्होंने विपक्ष में इस बिल के वोट दिया था उनके द्वारा भी ये कहा गया कि ये एक काला दिन है डेमोक्रेसी के लिए। तो फिलहाल एक बड़ा रिलीफ है माइनॉरिटीज़ को जिसके अंदर अब उनको ऐसा लगेगा कि भाई हिंदुस्तान जो है उनका अपना मुल्क है और ख़ास करके बड़ी चीज़ भी है जिस तरह से कुछ लोगों द्वारा खास करके एक समुदाय के साथ इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है इस बिल को। तो अमित शाह होम मिनिस्टर ने यह साफ कर दिया था कि यह बिल जो है किसी भी समुदाय के अंगेज नहीं है। हाँ, जो लोग भारत के बाहर से आए होंगे उनको यह बिल बिल्कुल पसंद नहीं आएगा क्योंकि यह बिल जो है जो घुसपैठी है यहां पर उनको जो है बाहर निकालने का बिल है और जो लोग भारतीय हैं उनको इस बिल से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है। लेकिन जो भारतीय नहीं है उनको थोड़ा सा इस बिल से परेशानी जरूर हो सकती है। तो फिलहाल महबूबा मुफ्ती द्वारा भी इस बिल को लेकर एक ट्वीट किया गया और उन्होंने ये कहा अपने ट्वीट में जो कि उनकी सुपुत्री ट्विटर अकाउंट उनका हैंडल करती है उसके अंदर उन्होंने ये कहा ट्वीट में लिखा न्यू इंडिया नो प्लेस फॉर ह्यूमंस यानी कि ये एक नया हिंदुस्तान है और यहाँ पर ह्यूमंस के लिए कोई जगह नहीं है यानी कि मानवों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस ट्वीट को लिख के पता नहीं कौन सा अपनी तरफ से वो कौन सा वक्तव्य कहना चाहती हैं उनकी सुपुत्री अपनी माता के बिहाफ पे वो तो वही जाने, लेकिन नया हिंदुस्तान तो बिल्कुल है जहां पर सिर्फ और सिर्फ अब ह्यूमन बीइंग्स की ही कदर होगी। तो फिलहाल देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली जेके मीडिया के लिए, जय हिंद। एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 राज्यसभा में 125 वोटों के साथ पास हो चुका है। जय हिंद।